तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 685। इसमें क्या दिया है कि इन अ सर्कल कॉर्ड ए डी एंड बी सी मीट एट अ पॉइंट ई आउटसाइड द सर्कल। तो एक सर्कल हो गया और इसमें ए डी एंड बी सी जो है, ए डी बी सी कहां पे मिल रहा है, पॉइंट ई आउटसाइड द सर्कल। एंगल बी ए इक्वल टू, ये जो बी ए ई है इसका वैल्यू दे दिया है 76 डिग्री और एडीसी का वैल्यू कितना है 102 डिग्री। ये हो गया एडीसी। फिर एंगल एईसी मींस ए वाला एंगल निकालना है तो इसका नाम थीटा रखते हैं। अच्छा, एडीसीबी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। तो एंगल बी प्लस 102 डिग्री का वैल्यू होना चाहिए 180 डिग्री। तो एंगल बी कितना हो गया 72 डिग्री, 72 डिग्री हो गया। फिर चले आइए इन ट्रायंगल एबीसी में। तो इस ट्रायंगल में थीटा प्लस 76 डिग्री प्लस 72 डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 180 में से 148 गया तो 32 डिग्री। एक मिनट, गलत लिख दिए क्या? अरे हाँ, ये तो 78 डिग्री होगा ना, हमने 72 लिख दिया है तो 78 डिग्री लिख लीजिए। तो 78 एंड 76 कितना हो जाएगा 154 एंड 154 माइनस कीजिएगा तो आएगा 26 डिग्री। सो थीटा का वैल्यू है 26 डिग्री हो गया। सो हमने क्या यूज किया, हमने ये यूज किया है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री का। बाकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल तो पता ही है। तो 685 हो गया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए क्वेश्चन।